ना चाहिए, लेकिन शनि का पोजीशन देखो, शनि कहाँ बैठा है तो उसको एक बार देखोगे ना, ना पहनना है बोल के पहन दोगे, साढ़े सती में असर बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि पकड़ लो शनि तुम्हारा मस्त होके बैठा है, साढ़ बन के बैठा है, नीलम दे दोगे शनि का पावर बढ़ेगा या नहीं। दूसरा कुंडली में शनि विपद नक्षत्र बद तारा में बैठा, बद विपद में बैठा, प्रत्यारी में बैठा, उसको जब तुम नीलम दोगे तो शनि का पावर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा तो क्या करेगा, जो नहीं ठोक रहा है घिंच घिंच के देगा बौवा डैया दोनों हाथों से। तो हमारा उस समय क्या करना चाहिए, उसका शनि का पावर को रिड्यूस करना या बैलेंस करना? बैलेंस। तुम देख रहे हो कि बेटा 18 17 22 का एकदम शनि बैठा है, तुम तो बोल रहे बढ़िया बैठा है, गुरु जी बढ़िया नक्षत्र बढ़िया राशि में बैठा है, मैं इधर नक्षत्र में देख रहा हूँ कि शनि तुम्हारा बद तारा में बैठा है या विपद तारा में बैठा है। और शनि को अगर बढ़ा दिया, ये बेवकूफ लोग यही करता है। अच्छा चलो, शनि तुम्हारा कुंडली में बढ़िया घर में 3 6 11 में बैठा है, माना राशि के अनुसार अच्छा फल देगा, लेकिन इधर से देख रहा हूं कि बेटा विपद प्रत्यारी बद तारा में बैठा है, तुम्हें तो लग रहा है कि अच्छा दे रहा है बोल के नीलम पहना दिया, तेरा अल्प बुद्धि भयंकरी, एस्ट्रोलॉजर के पास टाइम नहीं है स्टडी करने, मेरे को एक पत्थर पहनाने के लिए 15 दिन का रिसर्च करना पड़ता है, बहुत डायरेक्शन से सोचना पड़ता है। पकड़ लो राक्षस नवांश में बैठा है, दानव में बैठा है, क्या करेगा? चलो नक्षत्र अच्छा हो गया, तुम्हारे जन्म नक्षत्र से नक्षत्र एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, राशि से अच्छा बैठा है, तुम बोल रहे देखो राशि से बढ़िया बैठा, नक्षत्र भी मित्र तारा में बैठा, मान लिया मित्र तो है, लेकिन अंदर ढूंढ घुस के तुम देख रहे हो बाय चांस, ऐसे होता नहीं है, बाय चांस वहां पर दानव स्थिति में बैठा है, दानव में बैठा है, राक्षस में बैठा है, सब काम तुमको अच्छा हो रहा है, लेकिन फाइनल माइक्रो लेवल में जब तुम रात को बैठ के हिसाब करते हो, देखते हो कि मैं जिसे अपना मित्र समझता हूँ वो अंदर से एक नंबर का खतरनाक दुश्मन है, सामने मीठा बोल रहा है और अंदर से दे रहा है माइक्रो लेवल इंटरनल में। और ये आदमी एक ऐसा टाइम आएगा, अभी तो मेरे को सहायता करते करते जाएगा, करते करते जाएगा, ठीक टाइम आएगा, ऐसा एक बम्बू देगा कि निकाल नहीं सकते। तो उस कंडीशन में मैं उस शनि का पावर को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? अगर मैं नीलम घुसेड़ दिया उसको, ठीक है राशि से अच्छा फल मिलेगा, नक्षत्र मिला, लेकिन इंटरनल जब तुम फाइनल इजिकल टू करोगे तो तुम्हारे लिए तुम देखोगे कोई नुकसान दे रहे। एक तुम देख रहे हो उसका चंद्रमा शनि तो बढ़िया जगह में बैठा है, अब उसको क्या जरूरत है एक तो पहनना भाई, इसका स्वगृह बैठा, जन्म संपत्ति तारा में बैठा, मैं क्यों नीलम दूं और पावर बढ़ाऊं, क्या जरूरत? तो दे रहा है, एक आदमी सिंपल दे रहा है, तुम फोर्स कर रहे हो और दो कहां से लाके देगा, जितना है उतना ही देगा ना, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। दूसरा, उसके कुंडली में मंगल उचका है, पूरा मकर राशि में आके बैठ गया, ऊपर से क्या पहना है रे लाल वाला? लाल कलर, रेड कलर, बताओ इसको जो दिया है बेटा तुम्हारा पागल तो नो है, भालो रकम पागल हो ना, प्रचंड पागल हो। मंगल तुम्हारे लिए कारक है क्या? हम लोग पत्थर जब देते हैं किसी को काउंटर करने के लिए किसी को दे दिया जाता है, ये हो सकता है, तुम देख रहा है, एक तो उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हारी कुंडली में पकड़ लो शनि अकारक है, सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, वृश्चिक है, या धनु मीन ऐसा कुछ पकड़ लो जो कि शनि क्षेत्री नहीं है, और तुम देख रहे हो कि शनि का महादशा या अंतरदशा या नहीं भी है तो शनि बड़ा जोर उछल कूद करके प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या देखेगा? देखेगा कि इस शनि को ठंडा कैसे करें, ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं, शनि को काउंटर कैसे करेंगे, एक ऑप्शन।
पकड़ लो, तुम देख रहे हो कि शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि गया तो शनि डैमेज। लेकिन जब भी कोई ग्रह डैमेज होता है, डैमेज भी ऑन द सेंस, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट इज एग्जांपल, कोई ग्रह जब पीड़ित होता है तो तुम्हें भी पीड़ित करेगा, तुमको छोड़ देगा क्या? नहीं, खुद पीड़ित होगा। तुम्हारे कुंडली में शनि मुदित में है या नृत्यरत है, ग्रहों का अलग अलग स्थिति है। नृत्यरत है तो तुम्हारा शनि का महादशा में नाचते नाचते जाएगा, लेकिन शनि पीड़ित है तो तुम्हारा जिंदगी पीड़ा में जाएगा, उछल कूद कर रहा है, उग्र है, क्रोधी है। ऐसे कंडीशन में तुमको तो एक ही शनि दिखाई दिया कि कुंडली में शनि बैठा है, मेरे को तो हर कुंडली में शनि का अलग अलग रूप दिखता है ना। जो शनि का वो ग्रह स्थिति फल है, किस स्थिति में बैठा, किस भाव, किस नक्षत्र, किस नक्षत्र पद, कौन सा नवांश, कितना डिग्री, काल पुरुष का कितना डिग्री, उस घर का कितना, ऐसे बहुत सारे हमें हमको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि उस शनि को काउंटर करने के लिए देखूंगा कि कौन सा ग्रह को इससे काउंटर कराना है कि वो उछल कूद उसका बंद हो जाएगा। मैं देखा कि मंगल इसको देख रहा है, संभवतः, गारंटी नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं करना कोई भी, वो बहुत सारा और भी कुछ देखना पड़ेगा, परिस्थिति बसात उसके जिंदगी का चेहरा मोरा सब लगा दे मंगल एक, कितना पावर का लगाएंगे वो भी डिसीजन निकालना पड़ेगा, गणित करोगे ना, उसका बॉडी वेट के अनुसार और बॉडी मास इंडेक्स बहुत कुछ देख के, कितना रति का दूं तो शनि उखड़ेगा नहीं। अब इसको तत्वों में भी देख सकते हो, मंगल अग्नि तत्व, शनि पृथ्वी, तो अग्नि तत्व को बढ़ाऊंगा तो उस तत्व में ठंडा तत्व, शीतल तत्व, कफ तत्व, वात तत्व काउंटर करेगा या नहीं, तो तत्व से देखना है, बल से देखना है। लेकिन तुम देख रहे हो कि इसके घर में स्वग्रही शनि राजयोग, उच्च का मंगल राजयोग, दोनों एक घर में बैठे, शनि मंगल, किसे काउंटर कराओगे? बोलो, काउंटर कैसे कराओगे? नहीं करा सकते ना, दोनों को देखो, एक तो शनि मंगल हो गया, दोनों एक घर में बैठा तो अंध जातक हो जाता है। जिंदगी में सही और अच्छा समझ नहीं रहेगा, पहला बिंदु। थोड़ा एग्रेशन हुआ तो किसी को भी मार सकता है, वो तो जन के तुम्हें थप्पड़ दीछे मेरा घर में, रेगे गले मेरे दीछे, है देखो बांग्ला दादा की बोल, एक थप्पड़ दे दे, वो मारेगा नहीं, कस के देगा और रिलेशन काट देगा, एक तो और भीड़े दिखते दिखते हो ना, खत्म रिलेशन खत्म। ऐसे लोगों के इसका मॉडल है, देख लेना, मैं रखा हूँ एक तो मॉडल, गिनी पिग लेबोरेटरी मंक शनि मंगल, बढ़िया रिसर्च करता हूँ, 20 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। इनको ज़्यादा भूत प्रेत का तंत्र मंत्र जंतर दिमाग में घुसता रहता है, कोई बिगाड़ दिया, कोई ऊपरी हवा कर दिया, कोई भूत प्रेत हो गया, ऐसा लगता है। खर्चा कोई चेना नहीं थी, कोई दिखे खर्चा हो चेना नहीं तुम्हारे तत्र मंत्र दिखे आर किचु की बोलता हूँ खोरे चेना ना आमा के एक टुला इन्हें बोलता बोलो हैं गे चिलाम हैं गे चिलाम देखो गया था हाँ बोलो की बोलते बोलो वोटा तुम्हारे पाचर कथा आज वोटा कासिर कथा तुम्ही एक टु बाद आमा के बोलो गे चिलाम के ना गे चिलाम बस वोटा नहीं बोलते जादू मंत्र टोना टोटा टोटका के पीछे दौड़ते रहता है, बड़ा ज्ञानी आदमी है, किसी ने कहा था एक बार जाओ
किसी भी हालत में गया ना भाई। जब शनि का मंगल अमावस्या आएगा या मंगल में शनि का अमावस्या आएगा, पागल जैसे फिरोगे। कहीं मुर्गा कटाओ, कहीं बकरा कटाओ, कहीं ये बाबा, कहीं लंबा दाढ़ी बाबा। अच्छा आर एक टू सुनो, एक टू जगह फिक्स होवे ना, आज इसके पास कल काला जादू, परसों मुसलमान जादू, नरसों बाम जादू, तरसों हर प्रकार का टोना टोटका के पीछे संतुष्टि होगी नहीं मिलेगा। सही बात, जिस घर में बैठा वो घर को तोड़ के रखे। तो ये इस कंडीशन पे कोई बेवकूफ होगा जो शनि का भी स्टोन पहना दे और मंगल का भी पहना दे, ताकि और तांडव मचे। और तांडव मचे, दोनों एक तो दोनों पावरफुल और दोनों को दे दे और देख मजा जिंदगी में। अच्छा जब तुम दिया तो क्या कर रहा है, देखो शनि भी सप्तम को देख रहा है, मंगल भी सप्तम को देख रहा है, लग्न कुंडली के सप्तम को भी मंगल देख रहा है, उधर से राहु भी देख रहा है। जब तुम दोनों को पावर बूस्ट कर दिया तो तुम्हारा शादी रहेगा या टूटेगा, तुम्हारा नौकरी रहेगा या टूटेगा, तुम्हारा बिजनेस पार्टनरशिप रहेगा या टूटेगा, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल टूटेगा या रहेगा। और तुम्हें आमा के जिज्ञास कर खुलबो कि रखे देव, हमें के हमें बोलवार जन्म के हमें केवन बोलबो, मैं बोला तो मेरे को पहले दोनों मेरे को पिटेंगे। जैसे पत्थर पहनते हो पूजा पाठ जब हवन करके, उसी सम्मान के साथ खोलना है, और खोलना नहीं उनको रख के पूजा करना। मेरे जिंदगी में जितना भी पत्थर मुझे कहीं से मिला, तुम जाके देख लोगे मेरा जो इंटरनल मेडिटेशन प्रक्रिया है, बाइज्जत रख के उनको पहना पूजा करना। क्योंकि जब हम किसी को पत्थर पहनाते हैं ना, तो उस पत्थर के लिए लोग मूर्ख, आजकल क्या है ना कुछ फैंसी चला हुआ है, कमेंट में यूट्यूब में कुछ गधा लोग बोल देंगे, पत्थर का तुम जीवन न्यास किया, पत्थर का तुम प्राण प्रतिष्ठा किया, पत्थर का तुम पूजा किया। अरे बेवकूफ, तुम एक बात बताओ, कोई चीज तुमको मिल गया, कोई भी चीज समथिंग, पत्थर पकड़ लो इसको, पत्थर ये पत्थर अगर कोई तुम्हारे जैसे आर्मी वाला को मिल जाए क्या बोलेगा? अच्छा। पत्थर का उपयोग क्या है? प्रदीप किया है पत्थर ही यूज करो, क्या करोगे, मार के किसका सर फोड़ेंगे? अरे क्षेत्रीय को क्षेत्रीय का दृष्टि में पत्थर का क्या काम है, सोचेगा ना कि इसको पकड़े हैं देंगे बेटा। बनिया को मिल जाए तो क्या बोलेगा, कहाँ से बेचेंगे यार, दो पैसा बनाएंगे। पंडित को मिलेगा तो क्या बोलेगा, चंद्र अंदर सिंदूर अंदर दे के कहीं से गणेश वणेश निकल रहा है तो देखो काली बाई बना तो दो रुपया दक्षिणा उखड़ा मिलेगा कहीं से। जैसे कहीं गुफा मिल जाए और चोर देखे तो क्या बोलेगा, बढ़िया है यार, चोरी के बाद छुपेंगे आराम से। संत को मिल जाए तो बोला बढ़िया है यार, ध्यान करेंगे। जो जैसा मेंटेलिटी उसको वही, तो तू तो गधा यूट्यूब में वीडियो बना रहा है, तेरे को क्या जरूरत, तुम अगर जानते नहीं है पत्थर के बारे में, पत्थर क्या, पत्थर का गर्भ क्या, पत्थर का मंत्र क्या, रत्न का प्राण प्रतिष्ठा क्या, रत्न शुद्धि क्या। कोई भी गधा बिजनेस वाला बनिया बोला कुछ नहीं, पत्थर पकड़ो गंगा जल में डाल दो, पंचामृत में डाल दो, शाम का टाइम पकड़ो, पांच बार मंत्र मारो, फूंक मारो, पहन दो, कोई काम का नहीं, बस कोई काम का नहीं। एक नीलम अगर कोई सही आदमी है, खर्चा करना चाहता है धारण करने में, मैं उसका वीडियो भी दिया हूँ, पत्थर का तो क्या कीमत अलग, खाली पहनाने का धारण का विधान 31,000 मिनिमम। कौन पहनाएगा उसको, ग्रह विप्र पहनाएगा, रूल है, ऐसा नहीं कि खुद पहन लिया, नो ऐसा रूल नहीं हो सकता। हर एक चीज का कुछ विधान है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है भाई। तुम नहीं जानते हो तो बोलो कि मुझे नहीं पता, लेकिन डोंट कमेंट नेगेटिव बोल के किसी का दिमाग मत खराब करो। पत्थर नहीं पहनते, पत्थर खराब,
पत्थर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, पत्थर का तो गर्भ नहीं होता है, पत्थर कोई काम का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ काम का है, उपयोग करने जानो तो तरीका सही होती है ना। मैं जिंदगी में जितने पत्थरबाजों को देखा हूँ, पत्थर से जितने लोगों को लूटते हैं, जिंदगी उनका पस्त रहता है, बुरी तरह मरते हैं, क्योंकि झूठो लूटते हैं। पत्थर का तो माँ बाप नहीं है, चाइना जब से मार्केट में उतरा है वो तो अपने लेबोरेटरी में हीरा बना दे रहा है, सोना बना दे रहा है। ये पत्थर क्या मतलब का है, 50-55 रुपये का पत्थर 50-60 हज़ार में बेचते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल पत्थर का पहचानने वाला है उसको कौन पूछे, उनको क्या चाहिए, ताम झाम बढ़िया वाला एकदम पैकिंग वुकिंग होके वहाँ लिखा होगा जो डुप्लीकेट प्रूव कर दे 20 लाख देंगे। कौन सा लचुकिया जाएगा 50 रुपये का पत्थर को डुप्लीकेट साबित करने के लिए लेबोरेटरी के पीछे, और पता किसको है, और पता किसको है, और क्या गारंटी लेबोरेटरी ठीक बोलेगा। लेबोरेटरी को उस चीज़ के बारे में पता क्या, वो जो रॉ पत्थर है हमारे यहाँ रत्नगिरी है, तो रत्नगिरी एक बैंड मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बैंड जंगल है, जनरली जाने के लिए मना है। वहाँ पर जो पथरिया लोग होते हैं, एक जात है, जैसे हमारे नदी से सोना निकलता है, लेकिन आप जाओगे तो नदी से सोना नहीं दिखाई देगा। हमारे यहाँ का जितना केवट जो नाव चलाते हैं और सोना झामते हैं बालू से, सबके घर में कार है, रात को मछली मारेंगे, दिन में सोना छानेंगे, दिनों दिन लगे रहते हैं। फैक्ट्री का पॉल्यूशन होने के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऊपर बेल्ट में आज भी सोना निकल, प्योर गोल्ड। तो वो लोग भी वहाँ से पत्थर लेते हैं, बैंड होने के बाद मतलब वो जगह को जब रिजर्व फॉरेस्ट और क्या क्या सब डिपार्टमेंट वाले बैन बुन कर दिए, ये लोग लाते हैं, तो उसका रेट ज़्यादा होता है। तो जो रॉ पत्थर है उसको काटना फिलाना हर जगह में होता नहीं है, तो उसको लेके ऐसे जगह पे जाना पड़ता है, तो उसका कीमत अगर जाओगे तो बहुत कॉस्ट है, 60,000-80,000। अगर अच्छा मिल गया क्रिस्टल वाला तो लाख रुपया, पहनने के लायक बनाने में ज़्यादा उसमें मेहनत है, ग्राइंडिंग उसको लगा के मैं गया हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसे कोई अगर क्लाइंट मिलता है, कोई यजमान मिलता है, तो बोलते गुरुजी आप देंगे तो लेंगे, तो फिर मेरा उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाता है, एक तो डुप्लीकेट नहीं हो, ठीक चीज़ मिले, तो फिर मुझे वो सोर्स में जाना पड़ता है, बोलते गुरुजी जो लगेगा ले लो, जाना आना सब दे देंगे। तो ऐसे जब 8-10 क्लाइंट मिलते हैं तो एक साथ जाते हैं मैं, और यहाँ तो मेरे पास आते हैं इतना सारा लेके कागज़ में घुमा घुमा के, तुम्हारी तरफ से आते हैं उधर राजस्थान आगरा साइड से, राजस्थान से हाँ घूमते रहते हैं, गुरुजी ये ले लो 500 रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो वाले भी घूमते हैं। तो उसमें ले के किसी को ठगूंगा क्या, मिलने वाला है कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ओरिजिनल चीज़ उसी को जो रेगुलर हम लोग ले लेके स्टडी करते रहते हैं, लैब टेस्ट भी करवाते हैं, वो लैब टेस्ट नहीं तुम्हारे ये बताए, हम लोगों का आयुर्वेदिक तरीका है रत्न परीक्षण, इतना मोटा रत्न परीक्षण का पुस्तक है, कैसे परीक्षण करोगे कितना सही है कितना गलत है। रत्न विज्ञान एक आयुर्वेद जैसे एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारे खंड हैं, उसमें से रत्न विज्ञान एक खंड है। आजकल कोई पढ़ने के लिए चाहता नहीं है, उसमें घुसना नहीं चाहता है, सबको खाली बता दो लेकिन उसके अंदर प्रवेश करना किसी को इच्छा नहीं है। हेडलाइन देख के भाग, हाँ हेडलाइन देख लो, मेरा हो जाए, मेरा हो गया तू जा, तेरा काम खत्म, गुरुजी आप फिर पूछने वाला हम नहीं हैं, घूम के भी वापस नहीं आएंगे, मेरा काम हो जाना चाहिए बस, मेरे को उतना नहीं समझ में आता है, मेरा काम कब तक हो जाएगा ये बता दो बस, समझ में आ रहा है हम क्या कर सकते। और हम जिंदगी में ना मेरे को ये आप जैसे लोग ही परिवर्तन कर दिए, हम ऐसे नहीं थे, कोई भी आया गया जैसे तुम लोग आए, पैसा किसी को मांगना नहीं है, दे दिया नहीं दिया डब्बे में डाल दिया कोई मतलब नहीं बस। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया ये लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, एक तरफ हम इतना बक करेंगे करेगा नहीं तो दुख लगता है। तो
तो एक हम ठग नहीं सकते, तो फिर ऐसे ही ठगलाल के पास भेज देते हैं, दो तीन रखे हैं, जाओ वहाँ तेरा काम कर देगा, बढ़िया से खींच घाच के 1.5-2 लाख का बिल बना देगा, तू सुधर जाएगा बेटा, मेरे पास तेरा काम है। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरा टाइम का पैसा लेता हूँ, बाकी किसी का पैसा नहीं लेता। पूजा पाठ कराता हूँ, पंडित को दे दो, ले लो, तुम्हें नहीं दे रहे हैं मुझे बोल देना, मैं सेटिंग कर दूँगा। तो मैं अपने लेवल पर जितना ईमानदारी होना चाहिए होने का पूरा कोशिश करता हूँ, और मैं 90% तो पत्थर इतना जल्दी प्रेस्क्राइब करता ही नहीं। वेरी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस अगर देखा कि उत्पात है और इससे इसका समाधान होगा तो कर, और डायरेक्ट मैं उससे पैसा नहीं लेता कि हमें दे दे ना, पार्टी को बुला देता हूँ, नहीं तो उसको एड्रेस देता हूँ कि जा तू तेरे सामने कटवा के ला, एड्रेस कार ले ले, रत्नागिरी में जा, वहाँ पर सब बैठे हैं चोर चक्के, मेरा नाम लेना, अमुक अमुक आदमी है, 4-5 आदमी, एक आदमी की नहीं कि एक ही आदमी लुटेगा तुम, जैसे बोले दतिया पीट जाएंगे, मैं दो नंबर दिया कि नहीं, एक नंबर देता तो वो मेरे को माल देते, तुमको लगता कि हाँ पंडित जी का आदर्श रहेगा, मेरा पूजा करा पंडित जी का पकड़ में, नहीं तू जा अपना बात कर सीधा, मुझे को नहीं बात करना है, हम कहे दलाली करें और कहे खाएं, कोई कम है कि हम तुम्हारे पीछे दलाली करें। उत्तर मिला है, समझ में आ गया पत्थर वाले, और मेरा पहला कोशिश रहता है जप के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, देखो हम पंडित आदमी है, पूजा पाठ कराएंगे, बनिया होते बोले लगा पत्थर, ला 80,000, ला 2 लाख, आई एम नॉट बनिया, लेकिन रत्न विज्ञान मेरे पास जितना है शायद ही और किसी के पास होगा, यू नेवर बिलीव। अभी एक नीलम करवाया, वो नीलम 550-600 साल पुराना है, योग था मिल गया, लेकिन जानते हो जिसको पहनाया 3 दिन तक नहीं रख पाया, 3 दिन तक नहीं रख पाया, निकाल दिया डर के मारे, पूरा पसीना से लथपथ हो जाता, कुछ शुरू डालते कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है। हाँ वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। तो ओरिजिनल तुम हजम नहीं कर सकते, डुप्लीकेट काम नहीं देगा, और आजकल जानते हो ओरिजिनल देसी गाय का घी और दूध दे दो, तुम पियोगे तो क्या बोलोगे बोलो, मैं तो बचा लूंगा ना, पचाओगे क्या, ये तो डुप्लीकेट बोलोगे, जर्सी का आदत है, होल्स्टाइन फ्रीजियन का आदत है, पाश्चराइज मिल्क और वो तुम्हारा डेयरी वाला मिल्क पीने का आदत है, और मेरा जो गाय है शुद्ध गाय का दूध पीला पीला दे तो ये दूध है क्या, ये तो पीला पीला दिख रहा है, हल्दी डाल दो क्या गुरु जी, पीला होता है बिल्कुल गाय का, और मेरा घी लोगे दो बंदा नाक में डालोगे यहीं 5 मिनट में सो जाओ, तुमको तो आदत है बाहर वाला अमूल वाला घी डालना, समझ में आ रहा है, तो तुम्हें ओरिजिनल का कहाँ पहचान है, देखे ही नहीं। अब मेरे साथ गया था गोरसधाम, वो मध्य प्रदेश और ये हरियाणा बॉर्डर में जो है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में, हरियाणा गोरस जहाँ पर गिर गए 2 लाख है वहाँ, मेरे साथ गया था, मैं तो गिर गया, मैं 5 दिन रहा, 5 दिन दूध दही घी खाया, मेरा कुछ नहीं हुआ, वो सामने वाला 1 कप पिया तो खाली उसका ठिपी खोल गया, ढक्कन खुल गया नीचे से, दवाई ला के खाया, बोला देख तू जर्सी का दूध डुप्लीकेट दूध पीने का आदत है, केमिकल पाश्चराइज मिल और ये माल तेरे को जाता नहीं, तो पत्थर के साथ भी वही है, एस्ट्रोलॉजी के साथ भी वही है, अगर बहुत जरूरी मैं देखा कि पत्थर देने से इस आदमी का जिंदगी बन सकता है देते देते जरूर, ऐसा नहीं कि हम इसका विरोध हैं, लेकिन हम दें और जिंदगी नहीं सुधरे तो मजा किस बात का, गारंटी है इसमें। कल ही बोल रहा था वो आदमी का जिंदगी कुंडली देखो तो लगेगा कि जीरो है, भिकमंगा होगा, लेकिन प्रोफेसर है, बचपन में एक साधु का सेवा कर रहा था, मरते समय साधु निकाल के एक तो दे दिया, लो पहन लेना, पत्थर कभी करता है तो ऐसा काम करता है, चमत्कारी है, मना नहीं, जो नहीं जानता अलग बात, लेकिन जो जानता है उसके पीछे बहुत राज। लेकिन जैसे मैं डेली पाठ करता हूँ तो मेरे सामने मेरा अलग पूरे पत्थर अलग डेली उसको पाठ होता है, जप होता है, ध्यान होता है, हवन होता है, उसके सामने चलता है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ऐसा नहीं कि दुकान से लाया और थमा दिया। मेरा मम्मी बोले कि ये सब हो रहा है क्या हो रहा है,
मुझे लगा कि शायद पेट में कृमि है इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद हुआ क्या, वो खाना खाना बंद हो गया, टॉयलेट बंद हो गया, उसके बाद फीवर आना शुरू हो गया। ठीक है, दो दिन डॉक्टर दिखाया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऑफिस में जा रहा है तब बीच रास्ते में कॉल आया कि उसका सेंसलेस हो गया। मैं फिर से उसको लेकर हॉस्पिटल गया, डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पाए, कुछ फार्म वाम ऐसा कुछ दे दिया, खरीद दिया बहुत 800 रुपया की नशा अभी आया। उसके बाद मैंने पूजा करना शुरू किया और वहाँ पे जो हनुमान जी का पानी होता है वो पिला था, धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट स्टेज में आया ना, ऐसे कुछ जो फिल्मों में होता है वैसा हो रहा है। मैं तो सब क्या हो रहा है, पूरा 1920 वाला जो सीन है ना वैसा वाला सीन कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला और मेरे पास नहीं आना चाहता है, जब से पूजा करना शुरू किया वो मेरे पास नहीं आएगा, वरना मेरा गले में वो गोद में बैठ के पूजा देखता था। उसके बाद मैंने उसको लिटाया, वहीं पर पूजा करना और भी और तेज कर रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते पाठ जब खत्म हुआ 40 साल का सर से ऐसे करके धीरे से हाँ करके मुँह से क्या निकला पता नहीं, उसके बाद सो गया। और उसके बाद पूरा 10 से 12 घंटा नींद में था, सुबह उठा तब से वो ठीक हुआ। ये क्या है, भूत प्रेत होता नहीं ये सब बोलते, हम भी मान लिया भूत प्रेत नहीं होता, मैं वही नहीं मानता, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है, ये और यह मेरे आँखों के सामने हुआ है। और एक चीज़, लास्ट के जो ये सब चल रहा है ना, लास्ट के ठीक 2-4 दिन पहले से ही जब पूजा करने बैठा था तब घर से बाथरूम की तरफ से एक औरत का आवाज़ रोने का आवाज़ आता, मेरे को एक दिन ही मिला लास्ट दिन, लेकिन मेरा घर में दादी भी रहता है, मैं बोला पूजा करने के समय बात नहीं करते, लेकिन अचानक उस दिन बात की, मैंने दादी आप कुछ सुन पा रहे क्या, बल्कि हम तो एक हफ्ते से सुन रहे हैं, और मेरा दादी अभी उम्र हो गया पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन वो काली साधक थे, काली दीक्षा था, उनको सुनाई देता था। वो बोले कि हम नहीं, बोले कि तुम डर जाओगे, हम तो आज हमको सुनाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हुआ, एक तांत्रिक मेरा घर के अगल बगल घूम रहा था, वो कुछ एड्रेस पूछ रहा था हमको, हम देख रहे हैं कि वो उससे एड्रेस पूछ रहा है, लेकिन वो मेरा घर को कवर नहीं कर पा रहा है कि कौन है, शायद मेरा घर के आसपास देखा, 2 दिन दिखा पागल की तरह, वो मतलब क्या पूछ रहा है, वो किसी से पता पूछ रहे थे, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि वो पता पूछ रहे थे, लेकिन ये सब हुआ। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं होते, होते तो हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सब कुछ होता है। हम लोग स्वल्प मानव है, हम केवल हमारे आँख में वो कैपेसिटी है कि हम स्थूल वस्तु को देख सकते हैं, सूक्ष्म वस्तु को नहीं देख सकते। और कुछ ऐसे नेगेटिव प्रैक्टिशनर हैं जो लोग इस प्रकार का एक्टिविटीज़ करता है, दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ओनली। और मैं शायद ऐसे तुम्हारे जैसे स्टोरी का भुक्त भोगी, शायद मैं जितना ये सब केस हैंडल किया हूँ बचपन से लेके मेरे दादाजी से, मेरा दादी से, मेरा नानी से, देख देख के आया हूँ, और खुद जिंदगी में बहुत ये सब को हैंडल करने का मौका मिला है। मतलब समझ लो कि मेरा जिंदगी शायद इसीलिए, एक एक स्टोरी बोलूँगा, रात को सो नहीं सकते, एक एक सत्य घटना है। मेरा तो मन है कि बहुत जल्दी एक घोस्ट हाइजीन का ऊपर एक चैनल बनाऊंगा। ओ बिल्कुल, लेकिन आप यूट्यूब में से बोलते कि ये सब उतना ज्यादा होता नहीं है, होता है ना, वो तो ऑफिशियली बोलना पड़ेगा हमको तो, आप ऑफिशियली अगर मेरे साथ ये क्या बने, ऑफिशियली अगर ये सब बात करते हो तो आप जेल जा सकते हो, अंधविश्वास इरेडिकेशन ऑफ यू नो ये सब जो मेटाफिजिक्स एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन अभी तो फिल्मों में दिखा रहे हैं, हम नहीं बोल सकते कि हम जानते हैं। जिस पल बोल दिया मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये किया, ये रेमेडी है, स्टेट कानून है, एक तो कानून के चक्कर में आओगे, प्लस वो शक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ऑकल्ट इज ऑकल्ट, यू जस्ट नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग। और ये झूठ नहीं है, मैं बोलोगे मैं नहीं जानता हूँ, आप बोलते हो ना, इसी चक्कर में मैं तंत्र के पास गया था। हाँ। लेकिन वहाँ पे जाकर मुझे ये पता चल गया। हाँ। कि एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, तीसरा दिन किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ना वो मतलब पूरा कभी ठीक नहीं हो सकता।
और मतलब क्या बोले कि इसको हम पता चलेगा कि हमारे अंदर कुछ शक्ति नहीं है इसलिए वो हम पर भारी पड़ रहा है। हमारा गेम ऑफ एनर्जी है। हाँ एनर्जी, ये कोई तंत्र मंत्र ये सब। मैं तो कोई तांत्रिक नहीं हूँ, तो फिर अगर मैं अपने बच्चे को अगर उस हालत से बचा सकता हूँ तो कोई भी बचा सकता है। हनुमान जी का जो शक्ति है वो हमको पता चल गया, ये हमको पता चल जाएगा कि उस दिन ये होता है। और जिसके ऊपर ज्यादा हो रहा है उसको क्या करना चाहिए? और बच्चे के ऊपर कर रहे, तुम्हारा बच्चे का कुंडली चेक करो, कौन सा नक्षत्र में जन्म है, गंडमूल हो, मूल नक्षत्र हो, ऐसे नक्षत्र में बच्चे हैं तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोन होता है। उसके ऊपर भी फिल्म निकला है जो मरे हुए लोगों के साथ बात करता है, उनको घर पहुंचाता है, उनको उसके ऊपर कंतारा नहीं, कंतारा सिर्फ अक्षय कुमार है शायद उसमें, उस फिल्म में वो जो मर गए हैं उनका पैसा पहुंचाता है, उनका मैसेज पहुंचाता है, ऐसा कुछ है। तो ये सब सबके साथ नहीं होता है और इसमें इतना ज़्यादा गहरा आपको चिंता भी नहीं करना है, उतना वरिड होने का जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम केसेस वालों का चेहरा मोहरा अलग रहता है और अगर तुम्हें एक महीना का टाइम है मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा जहाँ के खाली बैठना, बस तुम्हारे पास सब कुछ सब झूठ पता चल जाएगा। क्या नाम? कुछ नहीं, खाली बैठ कर देखो, मैं अलाउ कर दूंगा वहाँ पर जो कनेक्टिव हैं, मतलब जो काम चलता है, मेरा वरा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काम चलता है नहीं बोल रहा हूँ, वह जो लोग करते हैं वहाँ जाके खाली बैठो, इस सच छूट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, एक ही सॉल्यूशन है, हनुमान कवच, शुद्ध कवच जिसमें कम से कम 11,000 आहुति, चलो 1,000 आहुति का भी कवच रेडी करके पहना दो, फिर देखो कौन भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राखे भूल गया, राखे हरी मारे के हैं, राखे हरी मारे के, हाँ राखे हरी मारे के, ठीक है। तो ये नथिंग वरिड टू वरिड अबाउट इट, ठीक है आचार्य जी। आपको वैसे ये पूरा ठीक होने में मेरा 5 महीना लगा। हाँ ठीक है, जिसका तुम्हारा जितना दिन योग था उतना दिन होगा, जब योग खत्म हो गया तो योग भाग गया और क्या चलता। अगर आचार्य जी किसी को सही में ऐसी दिक्कत हो तो आप तो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ऐसा कुछ है? हाँ, वो कुंडली में योग रहता है, पिशाच बाधा योग, प्रेत बाधा योग, श्रापित योग, इन सब के जिंदगी में होते हैं। कुंडली में वास्तु खराब होगा तो भी तुम्हारे घर में इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का मूवमेंट होगा, तुम्हें लगेगा कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डायन है, चिरगुन है, नहीं भी रहेगा तो भी लगेगा। नहीं, मेरा ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ, मैं इस सब में विश्वास भी नहीं था, लेकिन अचानक ये सब मतलब समय का खेल, फिल्मों में देखा ऐसा होता है, ऐसा मेरे को फिल्म में तो समाज का ही आईना है, समाज का अभी तो फिल्मों में दिखा रहा है कि ये सब किसी के ऊपर प्रयोग करना नहीं करना चाहिए। मतलब वो तो अलग बात है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है गलत है वो बात का बात है। अभी सोचो